नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनालिटिकल रिजोल्यूशंस में। मेरा नाम है धर्मेंद्र। हम लोग यहाँ बात करेंगे आने वाली नई वैकेंसी के बारे में। देखिए, जितनी भी नई अच्छी वैकेंसी आएंगी उन सबके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी, ताकि आप उनका फॉर्म अप्लाई कर सकें और उनके बारे में जितने मेन मेन टॉपिक, जितने पॉइंट है, सभी आप जान सकें। तो ये भर्ती आई है बिहार पब्लिक सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से, बिहार पुलिस SI की। ठीक है, तो बिहार पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसकी वैकेंसी आई हुई है, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, जितना हो सके जितना ज़्यादा लोगों को बताइए प्लीज़ करके। चलिए बात करते हैं। ये देखिए, ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट, दो प्रकार की वैकेंसी इसमें मिक्स है। सर्जेंट भी पुलिस के डिपार्टमेंट में होते हैं, ठीक है, होमगार्ड वगैरह लाइन में होते हैं भी। तो दूसरा क्या है, आप देखिए ऑनलाइन आवेदन जो है, यानी एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो है 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर है आपकी। ठीक है, तो लगभग एक महीने से ज़्यादा ये फॉर्म रहेगा, तो प्लीज़ करके आप लोग अप्लाई करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोग, क्योंकि देखिए वैकेंसी बहुत कम बची है गवर्नमेंट में, ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं। तो जितनी वैकेंसी बची हैं उनमें आप लोग कोशिश करिए कि एक पोस्ट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आने वाले टाइम में पुलिस के अलावा और किसी, पुलिस या टीचर के अलावा वैकेंसी और किसी डिपार्टमेंट में बचेगी नहीं। ठीक है, सबको धीरे धीरे प्राइवेट हो रहा है, आप लोगों को पता ही है। चलिए देखते जाइए आगे, आपको जितने मेन मेन पॉइंट है सब वो समझाऊंगा मैं, बाकी आप लोग बाद में ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में। तो इसकी जो पोस्ट है वो है 1998, लगभग 2000 पोस्ट है पुलिस सब इंस्पेक्टर की और सर्जेंट। ठीक, इसकी 215 पोस्ट है। ठीक, तो लगभग सैलरी दोनों के बराबर ही होती है। तो ये दोनों वैकेंसी एक साथ आएंगी, आपको इनका फॉर्म अप्लाई करना है। इनके जो विज्ञापन संख्या 3/2020 है। ठीक, तो इनका जो एड्रेस नंबर कितना है 3/2020, और ये पुलिस SI की 1998 वैकेंसी है और सर्जेंट की 215। चलिए अब देखते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या सिस्टम है, सब कुछ बताते हैं आपको आगे। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपको एक रिटर्न पेपर होगा। क्या होगा, रिटर्न पेपर। रिटर्न पेपर दो प्रकार का होगा, पहले प्री होगा। देखिए ये जो PDF है ये इंग्लिश में इनकी साइट पे ही नहीं है, हिंदी में ही है, तो हिंदी में आपको बता रहे हैं, बाकी जो डाउट हो आपको कमेंट करिएगा, आपको इंग्लिश में अलग से बता दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए पहले प्री होगा, प्री में 200 नंबर का होगा। ठीक, 100 क्वेश्चन आएंगे दो घंटे में 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे, जिसमें से सामान्य ज्ञान मतलब GK और करंट अफेयर आएगा, समसामयिक मुद्दे आएंगे। ठीक है, जिसमें मिनिमम 30% नंबर लाना कंपलसरी है, और उसके बाद जितनी मेरिट बनेगी उस हिसाब से आगे उसका 20 गुना। देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि 2000 लड़के हो गए ऐसे, 2000 वैकेंसी है लगभग, और वैकेंसी का 20 गुना। ठीक, लगभग 4 लाख लोग आपके आगे आने वाले उसमें क्वालिफाई कराए जाएंगे प्री के बाद। ठीक है, तो वैकेंसी का लगभग 2 गुना। ठीक है, 20 गुना, सॉरी। आगे देखिए, इसके बाद इसमें मेंस होगा। मेंस में क्या होगा, मेंस भी आपका, मेंस में एक पहला पेपर होगा, मेंस में दो पेपर होगा। पहला आपका होगा हिंदी का 2 घंटे का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी के पेपर में 30% नंबर लाना कंपलसरी, जबकि उसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मेंस में आपको 2 पेपर होंगे, जिसमें एक पेपर हिंदी का होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे, जिसमें 30% नंबर आना कंपलसरी, लेकिन ये आपका उसमें नहीं जोड़ा जाएगा मेरिट में। मेरिट में क्या जुड़ेगा, सिर्फ इसका जो सेकेंड पेपर होगा मेंस में, मेंस में जो सेकेंड पेपर होगा वो, जिसमें सामान्य अध्ययन आएगा, जिसमें साइंस आएगी, पॉलिटी आएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, मैथ, रीजनिंग, ये सब आएगा, वो भी 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। ठीक है, और मैक्सिमम 2 घंटे का पेपर होगा वो भी। तो मेंस में 2 पेपर होंगे, पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, ठीक, और दूसरा पेपर आपका होगा GS का। ठीक, इसमें भी 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका मेरिट में जुड़ेगा, मेन मेरिट यहीं से आपकी काउंट की जाएगी। मेंस में जो ये पेपर होगा सेकंड वाला, उससे आपकी मेरिट काउंट की जाएगी। और निगेटिव मार्किंग देखिए 0.2 आपकी निगेटिव मार्किंग है, 0.2 मतलब 2 नंबर मिलेंगे सही पे, और गलत पे 0.2 कट जाएगा। मींस अगर आप 1 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं और आपके 10 क्वेश्चन लगभग गलत होते हैं, तो ये जो करेक्ट वाला मार्क होगा आपका ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो लगभग 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी निगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत ही हल्की है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके अंधी मार सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, तुक्का आप मार सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये देखिए मेंस में आपका ये होगा कि जितनी भी वैकेंसी है उसके 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन होगा। कितना होगा, 6 गुना, 6 गुना का मतलब
जितनी वैकेंसी उसका 6 गुना, यानी 2000 है तो 2000 वैकेंसी का 6 गुना, 6 दुनी 12000, यानी 12000 लड़के मेंस क्वालिफाई करेंगे आपके। ठीक, 12000 लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे। जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे उनको आगे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल जो टेस्ट होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल टेस्ट इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उससे पहले आप लोग जान लीजिए इनमें एज क्या रखी गई है, आयु। पहली बात तो एज की जो गणना होगी, जो काउंटिंग की जाएगी, वो 1 जनवरी 2020 को एज आपकी काउंट की जाएगी, तब तक कितनी है। और दूसरी जो मिनिमम एज होगी वो 20 ईयर्स है, जो मैक्सिमम है वो 37, बहुत लंबी एज दे दी इन्होंने, जबकि अपने यहाँ यूपी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोग पास बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिनके पास जिनकी ज़्यादा एज हो गई उनके लिए भी है कि जो अनरिजर्व में है। देखिए अदर स्टेट में सभी लोग अनरिजर्व में आते हैं, केवल अपने स्टेट में ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, बाकी अदर स्टेट में अगर स्टेट की वैकेंसी है तो आप सभी अनरिजर्व में आएंगे। तो अनरिजर्व के लिए 20 मिनिमम है और 37 मैक्सिमम है। और जो बिहार के लिए हैं उनके ओबीसी एससी एसटी के लिए भी यही है, उसमें 40 ईयर तक है मैक्सिमम। कितना है? 40 ईयर तक है। ठीक, और जो फीमेल्स हैं उनकी 20 मिनिमम है, ये देखिए, और 40 जो है वो आपकी मैक्सिमम है। तो ये किसके लिए? फीमेल्स के लिए है। तो इसे ध्यान देना है, मेल के लिए 20 मिनिमम है और 37 मैक्सिमम है, कम से कम 20 साल और अधिकतम 37 साल, और महिलाओं के लिए 20 कम से कम और मैक्सिमम 40 साल। ठीक, और जितनी अनुसूचित जाति की या एस सी एस टी की महिलाएँ उनके लिए मैक्सिमम 42 ईयर्स है। ठीक है, बाकी जो आरक्षण वगैरह जो बिहार में मिलता है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा और छूट मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट की जो सामान्य कैटेगरी के लिए है, जो जनरल के लिए है, वो है 165 सेंटीमीटर, बहुत ही नॉर्मल हाइट है, लगभग सभी लोग इतने तो होते ही हैं, इससे छोटा कोई नहीं होता, बहुत रेयर केस में होते हैं लोग। तो इतना तो लगभग सभी लोग फॉर्म भरिए, कंपटीशन दीजिए, नौकरी क्वालिफाई करिए, तो इतना बहुत नॉर्मल हाइट है, हाइट आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और जो फीमेल है उनके लिए 155 हाइट है, मेल्स के लिए ये है, फीमेल के लिए ये है। ठीक, तो मेल के लिए 165 हाइट है, फीमेल के लिए कितनी है? 155। चलिए आगे देखते हैं, मेल के लिए चेस्ट कितना मांगा गया, चेस्ट जो मांगे गया वो 81 मांगा गया, और फिर 5 से भी फुलाना है तो उसके बाद आपका हो जाएगा 85। ठीक, तो ये मेल के लिए है, ओबीसी जन एससी एसटी जनरल सबके लिए लगभग यही होता है। और जो बिहार के अपने हो जिनको एससी एसटी कोटा मिलेगा वो थोड़ा सा 2 सेमी कम होता है, तो उनके लिए 79 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होना है। फिजिकल टेस्ट में जो मेल होंगे उनके लिए रनिंग होगी 6.5 मिनट में 1 मील दौड़ना है। 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर। ठीक, 1 मील जिसको नहीं पता उसको बता दूं, 1600 मीटर होता है। तो आपको 1600 मीटर दौड़ना है, मीन्स 1 किलोमीटर और 600 मीटर। तो इतना आपको कितना दौड़ना है? 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, चलिए